किंग खान की कमबैक फिल्म पठान रिलीज से पहले लगातार सुर्खियों में बनी हुई। फिल्म का बेशरम गाना रिलीज के बाद ही नेताओं और धार्मिक संगठनों के निशाने पर रहा है। इसके साथ ही गाने में दीपिका की ऑरेंज बिकिनी पर काफी विवाद हुआ था। लोगों का कहना है कि इससे आम जनता की भावनाएं आहत हुई। फिल्म पर जारी विवाद के बाद सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी ने बयान दिया है कि सेंसर के दखल के बाद फिल्म में कुछ बदलाव किए गए। खबरें हैं कि बेशरम रंग गाने के साथ साथ फिल्म के डायलॉग में भी कुछ बदलाव किए गए। पठान के बेशरम रंग गाने में कम से कम 3 बड़े बदलाव किए जाने की बात सामने आ रही है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार बेशरम रंग गाने में दीपिका के शरीर से कुछ क्लोजअप शॉट्स भी लगाए गए। साथ ही गाने में बहुत तंग के लिरिक्स के साथ आने वाले सेंसर विजुअल भी बदले गए और इसकी जगह कुछ दूसरे शॉट्स लगाए गए। बेशरम रंग गाने में दीपिका के साइड पोस्ट को भी हटा दिया गया। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आई है कि गाने में दीपिका की विवादित बिकिनी को हटाया गया है या नहीं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिल्म में 13 जगहों पर पीएमओ को बदला गया है। प्रधानमंत्री को बदलकर प्रेसिडेंट या मंत्री किया गया है। कहानी के हिसाब से जांच एजेंसी ड्रॉ को बदलकर हमारे इस्तेमाल किया गया है। एक डायलॉग इससे सस्ती स्कॉच नहीं मिली, स्कॉच की जगह ड्रिंक शब्द लगाया गया है। पठान में अशोक चक्र की जगह वीर पुरस्कार, एक्सकेजीबी की जगह एसपीयू और मिसेस भारत माता की जगह हमारी भारत माता भी किए जाने की। बताया जा रहा है कि फिल्म के एक सीन पर चल रहे टेक्स्ट में ब्लैक प्रिज़न रशिया को बदलकर ब्लैक प्रिज़न भी किया गया है। इन बदलाव के साथ सेंसर बोर्ड ने पठान के मेकर्स को यूए रेटिंग भी दी है। फिल्म से कितने सेकंड की फुटेज को सेंसर किया गया है इस बारे में डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन अब फिल्म का रन टाइम 146 मिनट यानी 2 घंटे 26 मिनट हो गया है।